नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.1 का पांचवा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। निम्न में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या है a भाग 2 मात्रक, b भाग पाई मात्रक, c भाग 4 मात्रक या d भाग 7 मात्रक। मात्रक मतलब इकाई, जैसे सेंटीमीटर या मीटर। तो हमने देखना है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों आपको पता है कि परिमाप होता है लंबाई और क्षेत्रफल जो है वह टू डायमेंशनल एक यूनिट है। तो ये दोनों बराबर वैसे तो हो नहीं सकते, लेकिन सिर्फ संख्यात्मक रूप से बराबर हो। मान लिया कि परिमाप है 16 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 16-16 दोनों की संख्या बराबर आई किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल की, ठीक है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या हमने निकालनी है, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, प्रश्न के अनुसार वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, संख्यात्मक रूप से बराबर है। बच्चों ये बात पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो परिमाप का फार्मूला होता है 2πr और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें इसमें से वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर को, आर को एक तरफ ले जाते हैं। यहां है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर, ये आर इस दर 2π के साथ गुना हो रहा है, तो यहां जाके हो जाएगा भाग। आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। आर स्क्वायर को मैंने लिखा आर गुना आर, और ये आर इधर 2π के साथ गुना हो रहा था, उधर जाके हो गया भाग। यहां बच गया 2π, आर तो उधर जा चुका है, ये पाई इधर आर स्क्वायर के साथ गुना हो रहा है, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग। आइए अब हम इसे हल करके देखते हैं। एक पाई से एक पाई कट गया, बाकी बच गया 2 बराबर, एक आर से एक आर बच गया, बाकी बच गया आर, ये आर बच गया। इसका मतलब आर कितना आ गया, 2, यानी 2 मात्रक, 2 इकाई, चाहे मीटर चाहे सेंटीमीटर कुछ भी, ठीक है बच्चों। तो आर हमारे पास आ गया है 2। तो देखिए कौन सा भाग सही है, ए भाग था 2 मात्रक, बी भाग था पाई 4/7, हमारा उत्तर है 2। इसका मतलब है इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 2 मात्रक, ठीक है। तो आप लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या बराबर है 2 मात्रक। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2 मात्रक होगी। यानी यदि r 2 सेंटीमीटर है तो इसका जो परिमाप होगा वह आ जाएगा 2πr, ठीक है, और जो क्षेत्रफल होगा वह होगा पाई आर स्क्वायर। दोनों का संख्यात्मक रूप से दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो बच्चों ये प्रश्न तो बहुत ही सरल था। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप अन्य प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।